So, hello guys, how are you all? My name is Love Kaushik and you're watching our YouTube channel, The Books Unboxer. So guys, how are you all? कैसे हो? I hope so, सब बहुत अच्छे होंगे, enthusiastic होंगे और सब बहुत बढ़िया होंगे. किसका मैसेज आया? आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी अमेजिंग. पहले मैं आपसे दो चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ. पहली चीज़ यह है कि अपन सबको पता है कि 2020 में क्या क्या हुआ है और कैसे कैसे हुआ है सब. और अपना जो चैनल है उस पर मैं ज़्यादा कंसिस्टेंट भी नहीं रह पाया हूँ इस ईयर. तो आई थिंक लास्ट ईयर भी नहीं था, पर इस ईयर को ज़्यादा इनकंसिस्टेंट था. सितंबर या अक्टूबर या सितंबर से मैंने वापस कंसिस्टेंसी पकड़ी, पर वो भी कुछ खास कंसिस्टेंसी नहीं थी. सो गाइस, मैंने ये एक आप कह सकते हो रेजोल्यूशन लिया. ये लास्ट जो अपना चालू हो चुका है मंथ 2020 का, दिसंबर चालू हो चुका है, तो मैंने ये रेजोल्यूशन लिया है अपने चैनल के लिए कि इस मंथ मैं रेगुलरली कंसिस्टेंटली वीडियो डालूंगा एवरी सैटरडे. तो ये वीडियो भी सैटरडे को आई होगी. आई थिंक 5th of December सैटरडे को ये वीडियो आपके सामने होगी और आप लोग देख रहे होंगे. तो एवरी सैटरडे यू विल गेट अ न्यू वीडियो ऑन द बुक्स अनबॉक्सर. और टाइमिंग जो है मैं अपने इंस्टाग्राम पे बता दे करूंगा. अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा द बुक्स अनबॉक्सर को, तो द बुक्स अनबॉक्सर इंस्टाग्राम पे फॉलो करो. द बुक्स अनबॉक्सर 19 करके है आईडी, तो वहाँ पे भी आप जाके फॉलो करो और नए नए अपडेट्स वहाँ पर भी आपको मिलते रहते, तो वहाँ जाके जरूर फॉलो करना. सो गाइस, आज का जो वीडियो आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, आज की जो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं उसका नाम है, मैं अभी बताता हूँ आपको क्या नाम है उसका. उससे पहले अपन वर्ड ऑफ द वीडियो बताता हूँ आज का. सो आज मेरे पास कोई एक्स्ट्रा फोन नहीं था, इसलिए मैंने पेपर में लिख लिया. डेडिकेशन देख रहे हो भाई का तुम्हारे. आज का जो वर्ड ऑफ द वीडियो है उसका नाम, उसका प्रोनाउंसिएशन आज गूगल तो नहीं है, मैं ही कर देता हूँ. इनवर्नरेबल. सो आज का वर्ड ऑफ द वीडियो है इनवर्नरेबल. सो गाइस, आज का वर्ड ऑफ द वीडियो है इनवर्नरेबल. ठीक है, तो आज का वर्ड ऑफ द वीडियो इनवर्नरेबल, और इसका जो मतलब होता है वो होता है इम्पॉसिबल टू हार्म, और हिंदी में कहते हैं अभेद्य. मतलब इनवर्नरेबल उन चीज़ों को कहते हैं जिनको आप डैमेज नहीं कर सकते, उनको हार्म नहीं पहुंचा सकते. रिलेशंस भी इनवर्नरेबल होते हैं, लाइक वो रिलेशंस जिनको कोई तीसरा आकर के तोड़ ना दे, उन रिलेशंस को इनवर्नरेबल कहते हैं. सो गाइस, आज का जो अनबॉक्सिंग होने वाली है उसका नाम है एरिस्टोटल एंड डांटे डिस्कवर्स द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स. सो आज की बुक है, इसका नाम है एरिस्टोटल एंड डांटे डिस्कवर्स द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स. इस बुक को मुझे लेनी थी. आपको एक बात बताता हूँ, अंदर की बात यह है कि जब मेरा बर्थडे था मैंने अपने दोस्तों को बोला था कि तुम्हें मुझे गिफ्ट देना हो तो ये बुक दे देना. इसका नाम मैंने उनको रटा दिया था, उसके बाद भी उन लोगों ने मुझे नहीं दिया. इस पर डील आई बहुत अच्छी, मुझे लगा मुझे खरीद लेना चाहिए. मुझे कितने की मिली वो भी मैं आगे वीडियो बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखना और कमेंट्स में ज़रूर बताओ. यार कमेंट्स बहुत कम करते हो आप लोग, कमेंट्स जरूर करो और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जैसा भी लगता है कमेंट्स कर दे करो. सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बुक के लिए पर्सनली. अब मैं बताता हूँ क्यों अनबॉक्सिंग करते हैं, बताऊंगा. पता नहीं, जब भी मैं किसी चीज़ के लिए इतना एक्साइटेड होता हूँ तो वो मेरी एक्साइटमेंट की ऐसी ऐसी कर देती है. तो आई डोंट नो इस बुक में क्या होगा, कैसी होगी, बट आई होप सो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट और इसको अनबॉक्स करते हैं. सो मुझे इसको काफ़ी एक्साइटेड हूँ खोलने के लिए, तो मैं पहले इसको खोल लेता हूँ. फाइनली ये खुल गया है. सो गाइस, ये रही आपके सामने किताब. पहले इसको रखते हैं. ये बिल है, बताता हूँ कितने की मिली, और ये साथ में मिला एक बुक मार्क जैसे कि आप देख सकते हो. सो गाइस, ये रही बुक एरिस्टोटल एंड डांटे डिस्कवर्स द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स बाय बेंजामिन एल आर आई सेंस. और मैंने वापस गलत प्रोनाउंस करा नाम, और यहाँ पे लिखा है दिस बुक टुक माई ब्रेथ अवे. ओके, सो गाइस, ये जो बुक है इस बुक के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था, और आप देख सकते हो उसका कवर कितना अच्छा लग रहा है इसकी. सो गाइस, आप देख सकते हो उसके फॉन्ट कितने अच्छे हैं, प्लस ये बुक का जो आप हाथ लगाते हो तो इसके टेक्स्चर भी बहुत अच्छा है कवर का. ऐसा लग नहीं रहा कहीं से भी कि पायरेटेड बुक है, तो दिखने में ही काफ़ी अच्छी है. इसकी स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए मैंने इस बुक को मंगाया. तो गाइस, आप देख सकते हैं साइमन एंड स्टूअर की ब्रांडिंग है, उसी पब्लिशिंग हाउस ने पब्लिश किया है. ऊपर आते हैं तो एरिस्टोटल एंड डांटे, और इससे अगर आते हैं अपन तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस बुक के बारे में लिखा है कि बुक की स्टोरी में क्या है क्या नहीं है. आप अगर एक पॉज करके पढ़ सकते हो पढ़ना हो तो, अदरवाइज यहाँ पर आप देख सकते हो 300 रुपीज़ लिखा हुआ है. और अगर बुक देखें तो यहाँ पे लिखा है 9.99 US डॉलर और 11.99 Canada dollar. इस बुक के अंदर आते हैं तो यहाँ पे इसका टाइटल लिखा है, प्लस यहाँ पर बुक के बारे में कुछ लिखा है. अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो. और अंदर आते हैं तो यहाँ पे वापस से टाइटल, और यहाँ पे इनके ऑथर की और भी बुक्स लिखी है जो उन्होंने लिखी है.
शुरुआत में लिखा है टू ऑल द बॉयज हु हैव हैड टू लर्न टू प्ले बाय डिफरेंट रूल्स। 2014 का पब्लिकेशन है गाइज। ये सबसे प्यारी चीज मुझे लगी इसकी जो फॉन्ट है गाइज लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे और मतलब ना छोटे ना बड़े, और देखने में मतलब बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको शायद वीडियो में उतने अच्छे से नहीं देखे, बट अगर आप इसको लाइव देखोगे इन पेजेस और वर्ड्स को, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी, आई थिंक अभी तक की सबसे अच्छी क्वालिटी आप बोल सकते हो ये पेजेस की है। और मैं इसको स्मेल करे बिना रुक नहीं सकता। सो गाइज आप देख सकते हो ये बुक की जो क्वालिटी है वो तो वैसे अच्छी है ये, प्लस इसकी जो स्टोरी है वो भी काफ़ी अच्छी है। मैंने इसके रिव्यूज़ देखे गाइज, एक भी रिव्यू ऐसा नहीं था जिसने इसको ख़राब बोला हो। एवरेज भी किसी ने नहीं बोला, सबने बोला है बेस्ट बुक है आज तक की जिन्होंने रीड करी है आज तक। ये अराउंड 360 पेजेस की पूरी किताब है गाइज, स्टोरी है पूरी। और ये है इस बुक की अनबॉक्सिंग, और इसको पढ़ने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो गाइज ये रही एरिस्टोटल एंड डांटे डिस्कवर्स द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि मेरी एक्सपेक्टेशंस खरी उतरी या नहीं उतरी, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि ये मेरी ओवर एक्सपेक्टेशंस चली गई। मतलब इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था ये बुक इतनी अच्छी होगी। पढ़ने के मतलब पढ़ी नहीं, मतलब इसको हाथ में लेकर के, और बुक की जो क्वालिटी है टॉप लेवल की क्वालिटी मुझे मिली है। ये बुक आपको मैं सही बता रहा हूँ, वीडियो में उतनी अच्छी नहीं दिख रही होगी जितनी रियलिटी के अंदर है। इसकी जो आप कवर देखोगे ना, कवर को हाथ में लेके लगेगा कि ये बुक सॉरी गाइज पर मेरे ऐसे बुक लवर के लिए ऐसी चीज़ है, बहुत ज़्यादा यू नो ऑब्सेस्ड हूँ मैं बुक्स के पीछे, तो दैट इज़ वाई मुझे, मैं अभी पता है वीडियो बनाने के बाद पता नहीं कितनी देर तक उसको देखता रहूँगा। सो अभी आप सबको पता है कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ लेजेंड ऑफ सुहेलदेव, इसको ख़त्म करने के बाद में मैं पढ़ूंगा एरिस्टोटल एंड डांटे डिस्कवर्स द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने सोचा था इसके बाद मैं कोई और बुक पढ़ूंगा, बट इस बुक को देखने के बाद अब मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। मैंने सोचा अभी स्टार्ट कर दूँ, बट मुझे वो बुक ख़त्म करनी, वो भी काफ़ी अच्छी चल रही, उसका रिव्यू आएगा फिर उस बुक को मैं स्टार्ट करूंगा। सो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये बुक मुझे कितने की मिली गाइज, इसकी जो रियल रेट है मतलब चलती रहती है अराउंड 400 के आसपास रहती है इसकी रेट, 350 और ऐसे रेट चलती है, बट ये 200 रुपीज़ के अंदर मुझे मिली थी। और जब ये मैंने खरीदी उसके बाद मैं डील इंस्टा पे पोस्ट करने वाला था, बट डील आते ही डील चली गई। मैंने इसको ऑर्डर किया, फिर जैसे मैं गया स्क्रीनशॉट लेने के लिए वो वापस से अराउंड 350 की हो गई। सो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत एक लकी थिंग हो गई कि जैसे वो 200 रुपीज़ के मैंने इसको ऑर्डर करा तो ये मुझे कुछ 200 रुपीज़ की मिली है। और अगर आपको खरीदनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लीज़ उस लिंक से जाके ज़रूर खरीदेगा। एफिलिएटेड लिंक है तो उस लिंक से ही जाके ज़रूर खरीदेगा अभी बुक। और ऐसे ही सैटरडे को वीडियो आता रहेगा, अब अगले सैटरडे को मिलते हैं आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। योर अनबॉक्सर, बाय।